तो आज यहां से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में से किसी को कोई डाउट है? इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, इतने सारे वार्निंग के बाद, दिस इज द फाइनल सजेशन, फाइनल सॉल्यूशन, दैट ऑलवेज इन चूजिंग एकोनाइट एज अ होम्योपैथिक रेमेडी, ए स्पेशल रिगार्ड मस्ट बी पेड टू द सिम्टम्स ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड। लिसन मी केयरफुली एंड नाउ, क्या कहना चाह रहे हैं? एकोनाइट इज नॉट द रेमेडी फॉर फियर। डू यू एग्री? देखो लिखा हुआ स्लाइड पे है, फियर इज द डोमिनेटिंग फीचर ऑफ एकोनाइट, बट आई एम सेइंग एकोनाइट इज नॉट द रेमेडी फॉर फियर। द रेमेडी फॉर फियर, एनीवन वांट्स टू कॉन्ट्राडिक्ट मी और एनीथिंग, टू से डू एनीथिंग? तो है फियर की मेडिसिन एकोनाइट। नहीं, आप मेरी बात से सहमत हो या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? नहीं सर, नहीं सहमत हो। देखो अब अच्छे से सुनो, और अब हमारी बात से सहमत करना, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। एकोनाइट इज नॉट द रेमेडी ऑफ फियर अंटिल एंड अनलेस इट इज एसोसिएटेड विथ एगोनाइजिंग रेस्टलेसनेस और एंजाइटी। अगर डर है और चेहरे पे नहीं है, एकोनाइट कभी नहीं होगा। अगर डर है और दिल का धड़कन नहीं तेज हुआ, एकोनाइट कभी नहीं होगा। याद कर लेना, मटेरिया मेडिका खोल के देखो, रिपर्टरी उठा के देखो, हर पेटी आपको रेमेडी मिलेगा फॉर फियर। एवरीवन इज नॉट एकोनाइट। एकोनाइट तब होगा जब उसके अंग अंग से वो डर बाहर भाग रहा होगा, झांक रहा होगा, बता रहा होगा आपको। तब ये फियर एकोनाइट का है। अगर वो डर अपने पास बैठे हुए लोगों को डरा नहीं रहा है तो एकोनाइट नहीं है। एकोनाइट का डर वो डर है जो सिर्फ पेशेंट ही नहीं, साथ वाला डर रहा हो, उससे सामने वाला डरने लगा हो। जब इसका डर उसके चेहरे से झलक रहा हो जो उसको अटेंड कर रहा हो, जो उसका रिलेटिव बैठा हो, जो उसका लव्ड वन बैठा हो, जो उसका दोस्त बैठा हो, अगर इसका डर उसके चेहरे से झलकने लगे, Now it is the fear of aconite. So when I say aconite is not the remedy for fear, that means just fear is not enough. Fear के लिए इतना important remedy है, इसका मतलब fear का इतना height है इसके अंदर, fear का इतना extreme है इसके अंदर। और अब एक बार फिर से एलेंस की नोट आपको खोलने का कष्ट देंगे। The countenance expressive of fear. हाँ, उसके पहले बेटा फर्स्ट पेज पे आ जाओ, बोल्ड में क्या लिखा है? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। जी, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी। सो जब तक ये एंजाइटी का कॉन्कॉमिटेंट नहीं जुड़ा हुआ हो, मेटेरिया अमेरिका से एकोनाइट छोड़ के बाकी कुछ भी प्रिस्क्राइब कर लेना। जब तक उस फियर में पेशेंट का धड़कन इतना जोर से डब डब नहीं कर रहा हो कि बगैर स्थेतो से भी आपके कान में वो आवाज आ रही हो, एकोनाइट छोड़ के कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दे। सो जिस तरह से पहले इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने कहा माइंड एंड डिस्पोजिशन, अब यहां पे फिर एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ मेटेरिया अमेरिका नॉलेज को थोड़ा सा
विथ योर परमिशन कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए हम कहेंगे फियर इज नॉट द प्राइम, एंजाइटी विथ फियर इज प्राइम. इफ ओनली फियर, इफ इट इज सबमिसिव फियर, इट इज नॉट एकोनाइट. Until and unless it is palpable fear. So until and unless the adjective of anxiety is there with fear, it is not aconite. Now ये aconite का fear थोड़ा सा fear हटा रहा है. अब उसके बाद देखोगे ये चीज को सबसे पहले कर लेना. ये जो लिखो देखो रेड से जो किया हुआ ना, एगोनाइजिंग रेस्टलेसनेस एंड टोजिंग अबाउट, ये तरप ये बेचैनी, अगर ये तरप ये बेचैनी नहीं है तो फिर वही कहेंगे मटेरिया अमेरिका में एकोनाइट छोड़ के कुछ भी प्रिस्क्राइब कर लेगा. ये तरप ये बेचैनी ये एक्सप्रेशन वो भी इतना एक्सट्रीम का तरफ होना चाहिए कि साथ वाला डरे. नाउ इट इज एकोनाइट. इस सेंटेंस को अगर किसी के पास अभी अंकुर है तो उसके पास होगा सामने में पलफोर्ड वाली किताब है, आई थिंक डॉक्टर नैना के पास भी है, अभी अभी लास्ट वीक उसने गिफ्ट भी किया है. पलफोर्ड की किताब में देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए हमने यहां पे थोड़ी सी हेल्प कर दी है. ये द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर एगोनाइज्ड टॉसिंग अबाउट, फियर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा, एगोनाइज्ड टॉसिंग अबाउट.